संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति, विशेष रूप से अनुसंधान, बीमारी की पहचान करने के लिए जांच उपकरणों और टीका विकसित करने आदि की समीक्षा की। दोनों देशों की जनता और मानवता की भलाई के लिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को लेकर दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने अपने मित्र इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों ने कोविड-19 के खिलाफ सहयोग को बढ़ाने को लेकर बात की। साथ ही हमने कृषि और नव प्रवर्तन क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की। बातचीत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट में बताया गया कि दोनों देश कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखते हुए इसे और आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करने के साथ साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नव प्रवर्तन के मुद्दे पर डिजिटल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। दोनों नेताओं ने तकनीकी सहयोग और परीक्षणों पर जोर देने के साथ साथ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग को जारी रखने और आगे बढ़ाने पर साथ में कहा गया कि अंदर बैठते समय उचित शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी इसके तहत जरूरी होगा। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने की सलाह दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी और बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। टिकट खिड़की पर कतार में दूरी का पालन कराने के लिए जमीन पर मार्किंग की जाएगी। स्वास्थ्य का निजी निरीक्षण करें और तबीयत खराब होने पर सूचित करने की भी आदेश दिए गए हैं। अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग शो टाइम रखने की बात की गई है। तो वहीं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों का संपर्क एक दूसरे से कम हो सके। टिकट खिड़की सहित अन्य स्थानों को नियमित निसंक्रमण और सफाई करने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। टिकट खिड़कियों की पर्याप्त उपलब्धता हो इस बात को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मध्यांतर के बीच लोगों के अनावश्यक घूमने पर रोक होगी। दिन भर खुली रहेगी टिकट खिड़की। भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था पर जोर देने की बात की गई। थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। मास्क लगाने सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके बिना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सिर्फ डब्बा बंद खाने पीने की वस्तुओं की अनुमति होगी। हॉल के अंदर नहीं होगी खाने की डिलीवरी। एक तरीके से डब्बा बंद खाने की ही अनुमति जाएगी। अन्य प्रकार के खाने की डिलीवरी नहीं होगी। खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के लिए पर्याप्त खिड़कियों की व्यवस्था की जाएगी। सिनेमा हॉल के कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने, पीपीई किट समेत अन्य वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सभी दर्शकों को कॉन्टैक्ट नंबर लेना अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित गलत व्यवहारों से सख्ती से निपटा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हॉल के अंदर एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। फिल्म शुरू होने के पहले, मध्यांतर और समाप्त के समय मास्क पहनने संबंधित एक फिल्म दिखाई जाएगी। हिंदी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल खोलने को लेकर पर राज्य सरकारी स्कूल खोलने के लिए अपना खुद का एसओपी तैयार करेंगी। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूलों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल आपात देखभाल और हाइजीन से जुड़ी टास्क टीम गठित करेंगे। छात्रों की सुरक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खुद एसओपी तैयार कर सकते हैं। छात्रों के बैठने की व्यवस्था करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बच्चों के स्कूल आने जाने का वक्त अलग अलग होगा। सभी छात्रों, स्टाफ को हमेशा फेस कवर करना और मास्क पहनना जरूरी होगा। राज्य सरकारों के साथ साथ स्कूल में बच्चों को बुलाने से पहले अभिभावकों की जो सहमति है वो लेना जरूरी है। छात्रों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल पूर्णकालिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित